नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज AI जनरेटेड एक बहुत अच्छी वेबसाइट लेकर आए हैं। अगर आपको किसी भी फोटो का बैकग्राउंड हटाना है, किसी भी लोगों का बैकग्राउंड हटाना है, और अक्सर ये दिक्कत आती है जब आप किसी सर्टिफिकेट में किसी लोगों को लगा रहे होते हैं या फोटो को लगा रहे होते हैं और वाइट बैकग्राउंड या जो भी बैकग्राउंड उसका होता है वो दिख रहा होता है, ऐसे में उसको हटाने के लिए दोस्तों ये जो बहुत अच्छी AI जनरेटेड वेबसाइट है, और आप देख पा रहे होंगे इसका नाम है फोटोपिया, और आप ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर इसको कह सकते हैं। जैसे ही आप इस पर जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जब इसको विजिट करें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आज इसमें क्रिसमस के कारण ये जो डिज़ाइन आ रहा है। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ कंप्यूटर से सिलेक्ट कर लेते हैं पर्टिकुलर इमेज को, और मैं यहाँ से उठा लेता हूँ दोस्तों ये लोगो जिसका बैकग्राउंड वाइट है, और ये वाइट बैकग्राउंड को मुझे रिमूव करना है। इसके लिए दोस्तों करना क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, ये मैजिक वैंड। अब ये जो है दोस्तों, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आप इस इमेज पर जैसे ही आएंगे यहाँ ये, और यहाँ जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेगा पर्टिकुलर बैकग्राउंड को। ये देखिए, इसने उसको सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। अब मुझे करना क्या है, जो कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है उसको प्रेस कर देना है। ये देखिए, ये मैंने डिलीट बटन से इसको प्रेस कर दिया है, और आप जो भी क्लिक करेंगे यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। और ये यहाँ पर जो है, मैंने इसको पूरा इसका बैकग्राउंड हटा दिया है। अब मुझे करना क्या है, फाइल पर जाना है। जाने के बाद मुझे एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट कर लेना है PNG में। तो मैं इसको PNG में जो है एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये जो है दोस्तों, यहाँ से PNG में एक्सपोर्ट हो गया है, और हम जो है अब इसका इस्तेमाल आसानी के साथ कर पाएंगे। आप इसको देख पा रहे होंगे, ये जो है यहाँ से जैसे ही आप इसको सेव करेंगे ये आ गया है, और आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, और ये जो ओरिजिनल फोटो था मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ओरिजिनल फोटो था, और ये जो रिमूव किया है बैकग्राउंड को, ये इस तरीके से इसने रिमूव किया है। दोस्तों उसमें एक और बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, अगर आप प्रीमियम यूज़र हैं तो आप इसकी जगह ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने जब इस इमेज को यहाँ से लिया तो आपको इस इमेज पर जो है राइट क्लिक करना होता है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है रिमूव BG। आप जैसे ही करेंगे तो ये पूरा बैकग्राउंड एक साथ ही हटा देगा, लेकिन उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप प्रीमियम यूज़र अगर नहीं है तो आपको 20 मिनट का इंतज़ार करना होगा। मैंने अभी इसको करके देखा था। इस तरीके से अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए, इसने एक बार में मैंने यहाँ पर इसको रिमूव किया, बैकग्राउंड को रिमूव हो गया है। और ये जो होता है ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करें, एक बार अगर आप करते हैं तो आपको ये पूरा बैकग्राउंड हटा के दे देता है, और अगली बार अगर आप क्योंकि नॉन प्रीमियम यूज़र हैं तो आपको 20 मिनट का इंतज़ार करना होता है। ये जो है यहाँ से इसने इसको हटा दिया है, और हटाने के बाद जो है आप इसको यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है फोटोपिया ऑनलाइन एडिटर करके, और भी ये बहुत सारे यूज़ हैं। आप इंटरेस्ट रखते हैं अगर इमेज फोटोग्राफी को फोटो एडिट करने में, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।